बर्फ मिल चुकी है, ये रही। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। बस का टाइम होने वाला 10। चश्मा गंदा हो गया यार, बस का बता देता हूँ। बस क्या हाल है पब्लिक के गाइस? 30 में बस रुक चुकी है। मुश्ताक भाई हैं हमारे, इन सब काफी ठंड हो रही है भाई, लेक जमी हुई है। तो गाइज मैं हूँ इस वक्त HRTC बस स्टैंड से, यहीं से जाती हैं सब सारी गाड़ियाँ। इस वक्त हमें मनाली बस स्टैंड में, और हमने अपना टिकट ले लिया है। अभी इस वक्त बज रहे हैं 9:10 की हमारी बस है। इतनी देर हम नाश्ता भी कर लेंगे। नाश्ता कार वाले तो आपसे 2500 से 5000 रुपये भी ले लेंगे, एंड बस ये वाली होने वाली है, वो पीछे खड़ी है। आज हम कवर करने वाले हैं अटल टनल, सीसू एंड सोलांग वैली। बस का नाम है हिमतरंग, टेंडर यहीं लागे, यहीं छोड़ेगी ये वाली बस आपको। अंदर से भी दिखाएंगे आपको बस। बस टिकट मिल चुका है ये हमारी 67:17, और बस के अंदर चलो। हमारी सीट पीछे की क्योंकि हम लेट हो गए थे, तो आप एक दिन पहले आके ना इंक्वायरी कर लीजिए और अपनी सीट बुक करा लीजिए, क्योंकि इसकी सीटें बहुत जल्दी फुल होती है। सामान रखने के लिए आपको चार्जिंग के लिए सॉकेट मिल जाएगा, एंड ये बैंड भी हो जाएगी, बैंड करने का भी है इसमें। ऐसे हमारी सीट है 25, वो 25 वाली सीट विंडो हमने रिक्वेस्ट करी थी अंकल से। गाइस आपसे यहाँ से कपड़े ले सकते हैं स्नो के, एंड 50 रुपये के शूज एंड ड्रेस 200 रुपये की आपको मिल जाएगी, 250 रुपये में आपको मिल जाएंगे। यहाँ हम कपड़े चेंज करने के लिए रुके हैं। ऐसा है सोलांग वैली, वो फिर जा रहा रास्ता। अटल टनल आ चुका, गाइज अटल टनल पे हम आ चुके हैं, और आपको अटल टनल पास से दिखाएंगे। वो रहा अटल टनल, उसके सामने हम फोटो खिंचवाएंगे। तो सारी गाड़ियां वहीं लगी हुई हैं, सारे बस हमारी पीछे उतार दी थी, अभी बस हमें वहीं से पिकअप कर लेगी। गाइज वेलकम टू अटल टनल, VRO ने बनाया है इसको, एंड काफ़ी ज़्यादा यूनिक है ये, और इंडिया के लिए काफ़ी फ़ख्र की बात है कि VRO ने इतनी अच्छी और इतनी वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करा है इस पर। और ये काफ़ी लंबी है, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है ये, 1000 फीट की वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। वेलकम टू न्यू ब्लॉग, इस वक्त हम हैं अटल टनल पे, और हम अटल टनल पे बैठे हुए हैं, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल है, काफ़ी ठंड हो रही है भाई। वहाँ मनाली से इसकी बस चलती है, 300 रुपये में वो सारा घुमाती है। अपना गवर्नमेंट बस चलती है, इलेक्ट्रिक बस चलती है। हमारी रुक चुकी है, एंड सीसू की तरफ हम जा रहे हैं। लाइक का बटन दबाओ, तो काफ़ी अच्छी जर्नी होने वाली है ये। हम इस बस से आए हैं, वॉशरूम भी है उधर, लेक जम चुकी है। चुकी है ये देखिए, आप पत्थर फेंक के दिखाता हूँ, लेक जमी हुई है वो देखो, वहाँ चला गया आगे। ये सीन तो गाइस वैसा लग रहा, 3 इडियट वाला। आलू का पराठा है, सिखाते हैं और बताते हैं।
सीसू में बस रुक चुकी है हमारी बस है, और यहाँ से हमें जाना और पुल पार करके वहाँ एक्टिविटी पॉइंट है। ये पुल है हमारे एजाज भाई ने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी है, तो कहाँ से लग रही है एकदम। भाई का नाम बताएंगे, भाई अपना मुश्ताक भाई हैं, हमारी इनसे मुलाकात हुई है बस के अंदर। हमारे भाई हैं केरला से, आप ये वाली एक्टिविटी भी कर सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग, काफ़ी पब्लिक यहाँ पे आई है गाइस। इस बर्फ मिल चुकी है, ये रही। मनाली के सीसू में गाइस यहाँ पे, एंड आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, और मैं इसलिए यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि यहाँ पे धूप आ रही है। सीसू में आप यहाँ सीसू आ सकते हैं। मनाली से सीसू तक आने तक क्या खर्चा होने वाला है मैं आपको बताऊँगा। वहाँ पे 150 रुपये में यहाँ तक आया हूँ, कैसे आया हूँ, बजट ट्रैवलिंग होने वाली सब्सक्राइब बटन बेल आइकन और इसका बता देता हूँ। बस का ऐसा सीन है कि एक घंटा सोलांग वैली, आधा घंटा अटल टनल एंड 2 घंटा सीसू में रुकेगी। तो ड्राइवर आपको बता देगा, नंबर आपके पास होगा तो वो आपको पिकअप करेगा मनाली बस स्टैंड से, एंड आपको फिर तीनों जगह घुमा के वापस वहीं छोड़ देगा। 4 बजे वापस हम आ जाएंगे। तो बस का टाइमिंग होने वाला है 10 बजे से। बस का टिकट होने वाला है 150 रुपये वन साइड, और वापस आना भी 150 रुपये। तो आई डोंट थिंक कि इससे सस्ता कुछ हो सकता है। इससे सस्ता फिर आप पैदल ही जाओ, ट्रैवल विदाउट मनी करो जैसे कि मैं करता हूँ, बोर्ड लेके हिचहाइकिंग करो आप। हम सीसू से वापस जा रहे हैं, अटल टनल की तरफ जाएंगे। टाइम इस वक्त हो रहा है 3:10 हो रहे हैं, 4 बज जाएंगे और मनाली का तो टाइम रात हो जाएगी। जितेंद्र सिंह के साथ हूँ, इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, आज अच्छी इंग्लिश हो गई है मेरी। जितेंद्र केरला की बहुत पब्लिक आई है। हमें इसने पहुंचा दिया है, ये हम 5:42 पहुंच चुके हैं।